थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हम सिविल डिपार्टमेंट के रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, जितने भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं सारे शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। टोटल कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल थे वो 6842, मतलब 6842 कैंडिडेट ने का उनका डेटा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रॉ मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ देख सकते हैं वेरिएशन आपको 400 के आसपास भी कुछ दिख रहा होगा ना, नंबर्स जो दिख रहे हैं तो ये नॉर्मलाइज्ड होके इनके वेरिएशन यहाँ पे इक्वल कर दिया गया। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से पेपर के हिसाब से आपके मार्क्स आए, तो ये रॉ मार्क्स है, ठीक है। अभी बाकी आपका नॉर्मलाइज्ड कितना हो रहा है जो उसके बाद देखेंगे, लेकिन ये आपका अगर इतना नंबर आपका आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 28 सितंबर की बात करें, योर कैटेगरी में 301 नंबर है, अगर आपका है तो सेफ जोन में है, और बैकवर्ड कैटेगरी में 1 है तो 289 मार्क्स अगर आ रहा है 28 सितंबर में तो सही है, सेफ है। और बैकवर्ड में सेकंड कैटेगरी में 270 आ रहा है तो सेफ है, एससी में 211 आ रहा तो भी सेफ है, एसटी में 142 और ईडब्ल्यूएस में 205। ये 28 सितंबर की शिफ्ट की थी। उसके बाद बात कर रहे हैं 30 सितंबर में, तो यूआर कैटेगरी से हैं अगर हैं 307 नंबर आ रहा तो सेफ है, और बैकवर्ड में 286 आ रहा तो सेफ है। फिर उसके बैकवर्ड कैटेगरी 2 में 274 आ रहा है तो सेफ है। फिर एससी की बात करें 205 आ रहा है तो सेफ जोन में है, एसटी की बात करें तो 140 आ रहा तो सेफ है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 218। इसके बाद बात करते हैं 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 296 चाहिए तो सेफ है अगर आपका आ रहा है, और बैकवर्ड कैटेगरी 1 में 280 आ रहा तो सेफ है। बैकवर्ड कैटेगरी में दूसरी कैटेगरी की बात करें 261 आ रहा तो आपका सेफ है, ये आपका रॉ मार्क्स है, ठीक है। एससी की बात करें तो 190 आ रहा तो सेफ है, और एसटी में 129 नंबर सेफ है। उसके बाद से बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 192 आ रहा है तो सेफ है आपका। फिर आपकी बात करें 3 अक्टूबर वाले शिफ्ट की, तो यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, ठीक है, और तो 363 नंबर आ रहा है तो 3 अक्टूबर वाले तो सेफ है। बैकवर्ड क्लास में 1 में अगर बात करें तो उस कैटेगरी से 342 अगर आ रहा है 3 अक्टूबर वाले शिफ्ट में तो सही है आपका, सेफ जोन में है। फिर अब बात करें बैकवर्ड कैटेगरी सेकंड में 332 आ रहा तो सेफ है, एससी में बात करें तो 254 आ रहा तब भी सेफ है, एसटी की बात करें तो 188 आ रहा तब भी सेफ है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 253 आ रहा है तो सेफ है। वैसे 4 अक्टूबर की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 452 ला रहे हैं तो सेफ जोन में है। फिर अगर बैकवर्ड कैटेगरी 1 में है तो 428 ला रहे हैं तब भी सेफ है, और बैकवर्ड कैटेगरी 2 में अगर बात करें तो 417 नंबर आ रहा तो सेफ जोन में है, और अगर एससी कैटेगरी से हैं 337 ला रहे तब भी सेफ है, एसटी से हैं 264 ला रहा तो सेफ है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 351 आ रहा तो सेफ आपका। ये 4 अक्टूबर की शिफ्ट का है। फिर 5 अक्टूबर की शिफ्ट और थोड़ा इजी हो गई, तो उसमें और नंबर का वेरिएशन देखने को मिला। जैसे यूआर कैटेगरी से है 464 आ रहा तो सेफ जोन में, फिर बैकवर्ड कैटेगरी 1 की बात करें तो 446 अगर आ रहा है तो भी आपका सेफ जोन में है, फिर बैकवर्ड कैटेगरी 2 की बात करें तो 439 नंबर आ रहा है तो भी आपका जो सेफ जोन है, एससी की बात करें तो 386 आ रहा है तो सेफ है, एसटी की बात करें 305 आ रहा तो सेफ जोन है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 390 आ रहा तो सेफ जोन है। ये 5 अक्टूबर का शिफ्ट का था। तो यहाँ पे हमें आप लोग 6 शिफ्ट हो चुकी है, उसके बाद से 6 अक्टूबर वाली शिफ्ट की बात करें तो इस बार कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 420 नंबर आ रहा तो सेफ जोन है, बैकवर्ड कैटेगरी 1 की बात करें 403 आ रहा तो सेफ जोन है, बैकवर्ड कैटेगरी 2 की बात करें तो 393 आ रहा है तो सेफ है, एससी की बात करें 318 तो सेफ है, एसटी की बात करें तो 257, ईडब्ल्यूएस की बात करें 310। 10 अक्टूबर वाली शिफ्ट की बात करें तो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 424 आ रहा है तो भी सेफ जोन है, और बैकवर्ड कैटेगरी 1 से बात करें तो 405 आ रहा है तो भी सेफ जोन में, बैकवर्ड कैटेगरी 2 की बात करें तो 408 आ रहा तो भी सेफ जोन में, एससी की बात करें तो 319 आ रहा तो सेफ जोन है, एसटी की बात करें तो 241 नंबर आ रहा है तो सेफ जोन है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 299 आ रहा तो सेफ जोन है, और 13 अक्टूबर वाले शिफ्ट की बात करें तो यूआर कैटेगरी में अगर 474 आ रहा है तो बल्कि सेफ जोन में, बैकवर्ड कैटेगरी 1 में 446 आ रहा है तो सेफ जोन है, और बैकवर्ड कैटेगरी 2 की बात करें तो 430 आ रहा तो भी सेफ जोन है,
एससी की बात करें तो 348 आ रहा है तो सेम जोन में है। हिस्ट्री की बात करें तो 280 आ रहा है तो भी सेम जोन है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 381 आ रहा है, सेफ है। 14 अक्टूबर वाली शिफ्ट की बात करें तो 440 आ रहा है ईआर कैटेगरी से तो भी सेम जोन में है। बैकवर्ड कैटेगरी वन की बात करें तो 416 आ रहा है तो भी सेम जोन है। और बैकवर्ड कैटेगरी टू की बात करें तो 412 आ रहा है तो सेम जोन है। एससी की बात करें 318 आ रहा तो सेफ जोन है। एसटी की बात करें 280 आ रहा तो सेफ जोन है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 381 यहाँ पे 400 को जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है पेपर जो है टफ आए थे इसलिए मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो काफ़ी मार्क्स में बढ़ा हुआ जो जिसमें कम मार्क्स हैं मतलब वो बहुत टफ था इसलिए वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिला है। ये भी हो सकता है कि शिफ्ट ये टफ हो उसके अकॉर्डिंग अगर मार्क्स आपके कम आ रहे हैं लेकिन ये नॉर्मलाइज मार्क नहीं है। ये पहले बता दें ये ड्रॉ मार्क्स है और ये मार्क मतलब पेपर इसके इसी आए थे शिफ्ट इसलिए नंबर बढ़े हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा वही होगा जिस शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट आई है जिसमें कम मार्क्स आए उस पर नॉर्मलाइजेशन ढेर ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद से दो शिफ्ट और हैं 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को। यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 449 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो मतलब सेफ है। बैकवर्ड कैटेगरी वन की बात करें 432 आ रहे हैं तो भी सेफ है। बैकवर्ड कैटेगरी टू की बात करें तो 417 आ रहा है तो भी सेफ है। एससी की बात करें तो 324 आ रहा है तो भी सेफ है। एसटी की बात करें 308 आ रहा है तब भी सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 367 आ रहा है तो सेफ है। उसके बाद 18 अक्टूबर वाले की बात करें तो यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 448 आ रहा है तो सेफ है। बैकवर्ड कैटेगरी वन से बात करें तो 419 आ रहा है तो सेफ जोन में है। बैकवर्ड कैटेगरी टू की बात करें 407 आ रहा है तो भी सेफ जोन में है। एससी की बात करें तो 322 आ रहा है सेफ है। एसटी की बात करें तो 240 आ रहा है तो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 324 ये आप लोगों का सेफ जोन में था। सारे का सारा रॉन्ग मार्क्स है और टोटल अप्लाइड कैंडिडेट जो है वो 6842। ये ऑफिशियली डाटा है।